से स्क्वाड, ये नाम सुनकर बहुत सारे बंदे के अच्छे से अच्छे फ्री फायर प्लेयर के पसीने छूट जाते हैं। बट गाइस यार, यही प्लेयर सीखना चाहते हैं कि सोलो वर्सेस स्क्वाड में किस तरीके से वाइप किया जाए, जिससे यार आप लोग पूरी स्क्वाड को वाइप कर सको एंड यार इजीली तरीके से अपने गेम को बुइया या फिर विक्टोरी करा पाओ। अगर आप लोग ने देखा रहेगा गाइस यार, अपने इंडिया में से बहुत सारे लीजेंड प्लेयर जो कि इजीली तरीके से पूरी स्क्वाड को वाइप कर जाते हैं एंड यार यही प्लेयर लीजेंड कहलाते हैं। इसी वजह से पूरी स्क्वाड को वाइप कर जाते हैं एंड यार वो एक लीजेंड प्लेयर के नाम पे जाने जाते हैं। अब देखो गाइस यार, फ्री फायर के अंदर ऐसी बहुत सारी ट्रिक है जिनको अगर आप लोग अपने गेम के अंदर फॉलो करते हो तो गाइस यार इजीली तरीके से आप लोग भी पूरी स्क्वाड को वाइप कर सकते हो। तो यस गाइस यार, इस वीडियो में मैंने कवर किया कि आप लोग किस तरीके से इजीली तरीके से पूरी स्क्वाड को वाइप कर सकते हो एंड यही नहीं गाइस यार, अगर आप लोग ये वीडियो ऑलमोस्ट पूरा देख लेते हो ना तो गाइस यार शायद ही कोई आप लोगों को प्लेयर मार पाए एंड यार आप लोग पूरी स्क्वाड को इजीली तरीके से डीओ या फिर स्क्वाड को इजीली तरीके से कवर कर सकते हो। तो यस गाइस यार, उससे पहले अगर आप लोग ने अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना एंड जो रेड वाला बटन है उसको क्लिक जरूर कर देना। तो चलिए गाइस यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस यार, सबसे पहले यहाँ पे आती है करेक्टर कॉम्बिनेशन। अब देखो गाइस यार, अगर आप लोग करेक्टर बेस्ट कॉम्बिनेशन लगाना आ जाता है ना तो आप लोग उसमें से बहुत सारे ऐसे करेक्टर कॉम्बिनेशन है जो कि गाइस यार आप लोगों को सोलोवर्स स्क्वाड में वाइप करने में इजीली तरीके से हेल्प करेंगे। उन्हीं में से करेक्टर आता है आलोक, एंड्रो एंड केली एंड जोसफ। अगर आप लोग इन करेक्टर का अगर अपने गेम के अंदर यूज करते हो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा पूरी स्क्वाड को वाइप करने में। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोगों को देखो गाइस यार, बेसिकली अगर आप लोग शॉर्ट रेंज में एंड यार लॉन्ग रेंज में फाइट किस तरीके से करना है एंड देखो अगर आप लोग सोलोवर्स स्क्वाड खेलना है तो आप लोगों को सबसे पहले फास्ट डिसीजन लेना आना चाहिए यार। ऑलमोस्ट अगर आप लोगों के फास्ट डिसीजन लेना आ जाता है तो गाइस यार आप लोगों को कोई भी एनिमी जल्दी मार नहीं पाएगा। यानी कि गाइस यार मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग किस तरीके से परफेक्टली डिसीजन लेते हो। देखो यार, अगर आप लोगों को इस तरीके से फास्टली डिसीजन लेना नहीं आ रहा तो आप लोग इस सिचुएशन में ऐसे ट्रिक का फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह ध्यान देना है कि अपने जो सामने वाला जो एनिमी उनको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से, देखो गाइस यार अगर आप लोगों का एनिमी को पहले देखना है कि कौन उसमें से फास्ट मूवमेंट कर रहा है एंड कौन स्लो मूवमेंट कर रहा है एंड यार जो फास्ट मूवमेंट कर रहा है उसको आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोगों को लॉन्ग रेंज में खत्म करने के लिए। यानी कि गाइस यार अगर आप लोगों को उनमें से लॉन्ग रेंज में जो फास्ट मूवमेंट कर रहा है उसको खत्म करने के लिए एंड ऑलमोस्ट यार अगर आप लोग पूरी स्क्वाड के बीच में घुसोगे तो आप लोग इजीली तरीके से मर जाओगे। यानी कि गाइस यार मेरा कहने का मतलब कोई भी बंदा लीजेंड प्लेयर भी अकेले एक एक बंदे को ही खत्म करने की कोशिश करता है तभी आप लोग पूरी स्क्वाड को वाइप करना सीख जाओगे एंड यार अगर आप लोग सोचोगे कि मैं एक ही बार में जाके पूरी स्क्वाड को खत्म कर दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड देखो यार, सबसे पहले आप लोगों को फास्टली मूवमेंट वाले को लॉन्ग रेंज में खत्म करना एंड उसी में से देखो गाइस यार ऐसा तो है नहीं कि अगर पूरी स्क्वाड है उसमें सामने वाले में जो कि कोई ना कोई एनिमी ऐसा होता है जिनका स्लो मूवमेंट रहता है एंड यार जिसका स्लो मूवमेंट रहता है आप लोग इजीली तरीके से उनसे क्लोज रेंज में फाइट ले सकते हो एंड यार फाइट लेके इजीली तरीके से उनको मार सकते हो। अगर ये ट्रिक अगर गाइस यार अगर आप लोग इसको ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो इजीली तरीके से आप लोगों का पूरा गेम बहुत ज्यादा इजीली तरीके से आसान हो जाएगा एंड यार आप लोगों को इजीली तरीके समझ में भी आ जाएगा किन से फाइट में को लॉन्ग रेंज में लेना है एंड किन से शॉर्ट रेंज में लेना है। अब टिप नंबर थर्ड आती है गाइस यार यहां पे पेशेंस एंड यार अगर आप लोग के पास अगर पेशेंस नाम की चीज है यानी कि गाइस यार सब्र करने की चीज है तो गाइस यार आप लोग इजीली तरीके से पूरी स्क्वाड को इजीली तरीके से वाइप कर सकते हो। यानी कि गाइस यार बेसिकली मेरा कहने का मतलब सब्र करना। अब देखो यार, ऐसे बहुत सारे प्लेयर है जो कि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं बट यार उनके अंदर सब्र नाम की चीज नहीं होती है एंड यार यही ऑलमोस्ट सारे फ्री फायर प्लेयर की गलती होती है। देखो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है कि देखो सबसे पहले अगर आप लोग ऐसे अगर आप लोगों के पास सब्र नहीं है, सब्र करने का नहीं है तो अगर आप लोग जाओगे तो इजीली तरीके से पूरी एनिमी आप लोगों को मिलकर मार देगी। यानी कि आप लोग जैसे वीडियो के क्लिप में देख सकते हो कि अगर आप लोग इसी तरीके से अगर रश मारोगे तो गाइस यार आप लोग कभी भी अपने गेम के अंदर बोया नहीं या फिर विक्टोरी नहीं कर पाओगे। सो आप लोगों को इतना ध्यान देना कि आप लोगों को पेशेंस करना है यानी कि सब्र करना है गाइस यार। अगर आप लोग सब्र करना सीख जाते हो तो आप लोग एक एक करके पूरी स्क्वाड को वाइप कर पाओगे। एंड अभी बात कर लेते हैं रेंज फाइट। अब देखो ऑलमोस्ट अगर आप लोग रेंज के अंदर फाइट करते हो तो इजीली तरीके से पूरी स्क्वाड को वाइप कर सकते हो जो कि बहुत ज्यादा इजीली तरीके से एंड यार एक बेस्ट ट्रिक एंड यार इजी ट्रिक जिसको कहते हैं रेंज फाइट। अब देखो गाइस यार बेसिकली आप लोगों को सबसे जो बेस्ट होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड में आप लोगों को कोशिश करना है एक बंदे के ऊपर डिपेंडिंग रहना। यानी कि मेरा कहने का मतलब सबसे पहले आप लोगों को लॉन्ग रेंज में एक या दो एनिमी को खत्म करने की कोशिश करना है एंड यार अगर ऑलमोस्ट अगर आप लोग एक या दो बंदे को इसी तरीके से अगर फाइट करके अगर आप लोग उसको गेम के अंदर मार दे एंड यार ऑलमोस्ट अगर आप लोग दो बंदे को मार दोगे तो आप लोग इसी तरीके से डीओ बंदे को भी इसी तरीके से वाइप कर पाओगे। नंबर यहाँ पे जो फाय आती है कवर। अब देखो गाइस यार बेसिकली कवर, अब देखो अगर ऑलमोस्ट ऐसे फ्री फायर के अंदर बहुत सारे प्लेयर अगर आप लोग कस्टम के अंदर खेल रहे हो तो गाइस यार आप लोगों को लिमिटेड वॉल तक का मिलेगा कि आप लोग सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो आपके पास अगर आप सोलो रहोगे तो आपको वॉल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी एंड बेसिकली अगर आप लोगों के पास वॉल है तो एक बेस्ट कवर। देखो ऑलमोस्ट अगर बात की जाए कि वॉल कवर, अब देखो गाइस यार अगर आप लोग को अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप लोग जब मार रहे हो स्क्वाड को अगर आप लोगों को ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि आप लोग एक गोली फायर करो तो सबसे पहले तुरंत वॉल लगाओ एंड एक बेसिकली मेरा कहने का मतलब एनिमी को कंफ्यूज करो एंड यार अगर ऑलमोस्ट अगर आप लोग कंफ्यूज करना सीख जाते हो ना गाइस यार एक ओपी लेवल का आप लोग पूरी स्क्वाड को वाइप करना सीख जाओगे। एंड यही नहीं गाइस यार अगर आप लोग एक परफेक्टली लेवल का मूवमेंट के साथ में अगर कोशिश करते हो तो गाइस यार आप लोग का पूरा एनिमी कंफ्यूज हो जाएगा एंड यार ऑलमोस्ट आप लोग इजीली तरीके से उसको घुमा फिरा के इजीली तरीके से मार पाओगे। सो यस गाइस यार इस चीजों को आप लोगों को अपने गेम के अंदर ध्यान देना एंड यार जिस दिन अगर आप लोग इस चीजों का ध्यान देना सीख जाते हो तो गाइस यार आप लोगों के लीजेंड प्लेयर की तरीके से वाइप करना सीख जाओगे एंड यार इजीली तरीके से पूरी स्क्वाड को खा जाओगे। देखो गाइस यार बेसिकली ऐसे बहुत सारे प्लेयर है जो कि गाइस यार एक फास्टली लेवल का मूवमेंट करते हैं एंड यार उन्हीं फास्टली लेवल के मूवमेंट की वजह से गाइस यार इजीली तरीके से पूरी स्क्वाड को वाइप कर जाते हैं। देखो
देखो बट यार गाइस ऐसे बहुत सारे प्लेयर जो कि एक उसी फास्टेस्ट मूवमेंट की वजह से भी मारे भी जाते हैं। एंड मेरा कहने का मतलब है गाइस यार आप लोगों को अपने गेम के अंदर एक मीडियम लेवल का मूवमेंट करना है, यानी कि गाइस यार अगर आप लोग एक मीडियम लेवल का मूवमेंट करते हो तो गाइस यार इसी तरीके से पूरी स्क्वाड को वाइप कर पाओगे। एंड यार वहीं अगर आप लोग एक फास्ट लेवल का मूवमेंट करोगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा एंड यार आप लोगों को पूरी स्क्वाड खत्म कर देगी। आप लोगों को ये चीजों का ध्यान देना। आई होप आप लोगों की ये वीडियो पसंद होगी। एंड यार वीडियो अगर आप लोगों को ऑलमोस्ट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।